बद्दी के गुल्लरवाला से लापता युवक का 24 घंटे बाद भी नहीं लगा कोई सुराग। दारा सिंह नाम का युवक 24 फरवरी की रात से अचानक हो गया था लापता। लापता युवक के परिजनों ने हमले का भी लगाया आरोप। 27 फरवरी की रात को 3 गाड़ियों में सवार होकर तेज हथियारों के साथ किया गया था हमला। प्रत्यक्षदर्शी युवक ने कहा, हमने भागकर बचाई थी जान, उसी समय से लापता है दारा सिंह। बद्दी क्षेत्र के ही रहने वाले आधा दर्जन के करीब युवकों पर लगाया परिजनों ने हमले व दारा सिंह को गायब करने का आरोप। पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर शुरू की जांच। पुलिस की एक टीम मौके पर व दूसरी टीम आरोपियों व दारा सिंह की कर रही है तलाश। बद्दी के डीएसपी प्रियंत गुप्ता ने दी जानकारी, औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के तहत गुल्लरवाला के रहने वाले एक दारा सिंह नामक युवक को लापता हुए 40 घंटे के ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी दारा सिंह का कहीं पर भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसी के चलते उनके परिजन पुलिस थाना बद्दी पहुंचे, जहां पर उन्होंने पुलिस के उच्चाधिकारियों से दारा सिंह को जल्द ढूंढने की गुहार लगाई है। वहीं दारा सिंह के परिवार वालों ने मीडिया से भी अपना दुख जाहिर करते हुए कहा, दारा सिंह के ऊपर 28 फरवरी को 3 गाड़ियों में सवार होकर गुंडों द्वारा जानलेवा हमला किया गया था और उसके साथ जो अन्य 2-3 युवक थे उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई थी और पिछले 40 घंटों से दारा सिंह गायब है और उसका कहीं पर भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। इसको लेकर परिजनों ने पुलिस थाना बद्दी में शिकायत दर्ज करवाई है। फिलहाल लापता युवक के परिजनों ने पुलिस के उच्च अधिकारियों से जल्द लापता दारा सिंह को जहां ढूंढने की गुहार लगाई है, वहीं आरोपियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग उठाई गई है। इस बारे में जब हमने फोन से बद्दी के डीएसपी प्रियंत गुप्ता से बातचीत की तो उनका कहना है कि पुलिस ने लापता युवक के परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और पुलिस ने इस मामले में 2 टीमें गठित की गई है। एक टीम मौके पर पहुंचकर मौके का जायजा ले रही है, जबकि दूसरी टीम आरोपियों और दारा सिंह की तलाश कर रही है। नेशन न्यूज के लिए से हरजिदर ठाकुर की रिपोर्ट। क्या वो क्या नहीं देखा, वहाँ जो झगड़ा हुआ उनके पास हथियार थे। पहले वो 3 गाड़ियां मेरे 4-5 पहले आए, बाकी पीछे से जिनकी हमें पहचान है। जैसे आए हमारे पास उन्होंने अटैक कर दिया। कैसे नहीं घटना से भी मैं एक दिन पहले ऑपरेशन करा कर गया। शाम को मेरे दारे ने आंखों में दवाई डाली, उसके बाद में दारा मेरे पास से चला गया। सुबह मेरे को पता चला कि दारा आया नहीं, रात को घर वाले फ़ोन करते रहे। उसके बाद मैं 3-4 बार फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर जो जिंदर नाम का लड़का है गुंदराड़े का, उसने मेरे को बताया कि जो उसके फ़ोन है वो तो मेरे पास गाड़ी में रह गए, बाकी दारे का उसी दिन से कोई पता नहीं लापता। दारे को शक एक कुलदीप किडू नाम का है, गुरमीत किडू नाम का लड़का कड़ुआने का, उसके बाद में दर्शन जैमल का लड़का, एक गोगी नाम का है, गोगी दही फिच्चे का लड़का, एक बलदेव का भतीजा थाने से, बलदेव का भतीजा, इन पर शक है। इनके ही हमने नाम लिखाए हुए हैं थाने में। मेरे को वो कहाँ मिले, मेरे को तो मिले नहीं। पुलिस गई थी सुबह से, हमारा लड़का गया था साथ में जी, जो दर्शन नाम का है ना जी, उसके फादर ने बोला जयमल ने भी, मैं इसको 14 से बेदखल किया हुआ है, 2014 से इसको जहाँ आपको मिलता है वहाँ से ले लो। उसके बाद में जो कुलदीप नाम का, चिरू नाम का लड़का, श्याम का लड़का, उसके घर पहुँच गई, वो कोई भी वहाँ घर में नहीं था मिला। उसके बाद में जो चिरू की मम्मी है ना, उसने बोला कि पुलिस का तो यही काम है, हमारे डेली आती है, हमारे पर कोई असर नहीं पड़ता।